हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आलसी रसोईया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक चीला रेसिपी बनाएंगे, बेसन का चीला वेजिटेबल्स के साथ। चलिए आइए देखते हैं, ये झटपट बन जाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स, प्याज लेंगे 1 कप, बेसन, टमाटर और हरी मिर्च। एक बोल में बेसन ले लेंगे, उसमें टमाटर, हरी मिर्च और प्याज को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो कोई और सीजनल वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, जैसे गाजर, बीन्स, पर मेरे पास यही अवेलेबल थी तो इसलिए मैं यही डाल रही हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और अब पानी डाल के इसको पेस्ट बनाएंगे चीले जैसा। ना बहुत गाढ़ा रखना है ना बहुत पतला करना है, बिल्कुल मीडियम चीले जैसा पेस्ट बनाएंगे हम। देखिए अभी थोड़ा गाढ़ा है, थोड़ा पानी और डलेगा, थोड़ा पानी और ऐड करते हैं। दोबारा मिक्स करेंगे इसको। ये देखिए थोड़ा पतला हो गया, और बहुत पतला नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, गैस ऑन करेंगे। मैं नॉन स्टिक तवे पे बना रही हूँ, आप नॉर्मल तवे पे भी बना सकते हैं, ये चिपकेगा नहीं। बस नॉर्मल तवे पे आप थोड़ा घी लगा लीजिए, मैं इस पे भी घी लगाऊंगी वैसे, पर अगर आप नॉन स्टिक पे नहीं बना रहे तो आप घी ज़रूर लगाइए, वरना ये चिपक सकता है। थोड़ा सा घी लगा लेंगे। आप इसको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, तो सरसों का तेल नहीं यूज़ करना है, रिफाइंड ऑयल या घी किसी में भी बना सकते हैं। देखिए अब बैटर डाल देंगे, अच्छे से इसको फैलाएंगे। इसको आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टाइम पे खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है और बहुत फिलिंग भी है और बहुत झटपट बन जाती है। देखिए आप, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको बनाने में। अब हम इसको दोनों तरफ से सेकेंगे, पलट देंगे। अब अच्छे से इसको थोड़ा क्रिस्पी करना है, जिससे खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और घी अच्छे से लगाइएगा, जेनरसली। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है कि घी लगाने से ही अच्छा लगेगा, पर घी लगा के थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। ये देखिए पूरा अच्छे से ये क्रिस्पी हो गया। मैं आपको पलट के दिखाती हूँ, देखो ये अच्छे से पूरा क्रिस्पी हो गया। अब हम इसको सर्व करेंगे, गैस ऑफ कर देंगे। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए, आप इसको सॉस, हरी चटनी या दही किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, कुछ लोग दही के साथ भी खाते हैं। आपको जो पसंद हो आप उसके साथ खाइए और इन्जॉय कीजिए, और मुझे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मैसेज करके बताइए कि कैसी लगी, आपने ट्राई किया नहीं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल आलसी रसोईया।